कुछ ट्विटर यूजर्स ने ये वीडियो बिहार का बताया है। साथ ही में इन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि बिहार में तो शराब बैन है। हकीकत कह दिलिये इनकार के शांत मगरह अरे भैया कत दिन से खा पिए नहीं देना चाह भगवान का जोड़ी बना के बैठन दे बुझले कि नहीं बुझले जल्दी उतार दे मोदी जी को भाभी जी को ककड़ो पहरा दे उनका छोटकी बहन जिले है। 24 जून को टाइम्स नाउ ने सोशल मीडिया पर किए गए दावों के आधार पर लिखा कि नशे में धुत एक दुल्हे ने दुल्हन की बहन को वरमाला पहना दी। दैनिक जागरण, इंडिया टाइम्स, एशियानेट न्यूज कन्नड़, फ्री प्रेस जर्नल, तेलुगु स्टॉप, नेशनल दस्तक जैसे कई मीडिया संगठनों ने ये वीडियो पब्लिश किया। पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट जियो टीवी भी इस लिस्ट में शामिल है। तो क्या वाकई में बिहार में एक दुल्हे ने अपनी साली को वरमाला पहना दी? जांच करने पर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये दावा सरासर गलत है। यूट्यूब पर कीवर्ड सर्च करने पर हम यूट्यूब चैनल मिथिला बाजार तक पहुंचे। इस चैनल ने 17 मई 2022 को ये वीडियो अपलोड किया था। वीडियो के साथ बताया गया है कि ये एक नाटक है और इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है। साथ में वीडियो में दिख रहे एक्टर्स के नाम भी दिए गए हैं। ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये चैनल अक्सर इस तरह के नाटकीय वीडियोस अपलोड करता है। हमें इस चैनल पर ये एक और वीडियो मिला। इस वीडियो में वही एक्टर्स हैं जिन्होंने वायरल वीडियो में भी एक्टिंग की है। यानी वायरल वीडियो जिसमें नशे में धुत होकर दुल्हा अपनी साले को जयमाला पहना देता है असल में स्क्रिप्टेड है। मीडिया संगठनों ने बिना जांच किए ये वीडियो पब्लिश किया, मानो ये एक असली घटना हो। ऑल्ट न्यूज पहले भी ऐसे कई नाटकीय वीडियोस की सच्चाई सामने ला चुका है जिन्हें यूजर्स अक्सर सत्य घटना बताकर शेयर करते हैं। ऐसा अक्सर वीडियो कंटेंट बनाने वालों की चूक के कारण भी होता है जिसमें वो सही ढंग से डिस्क्लेमर नहीं लगाते हैं।